बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान की इस साल रिलीज हुई फिल्म अंतिम तो सभी ने देखी होगी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई है और ये उनकी फ्लॉप फिल्म के लिस्ट में अपना नाम शुमार करा चुकी है, जिसके फ्लॉप होने पर दर्शक तरह तरह के रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दर्शकों के साथ साथ सलमान खान की अंतिम मूवी के फ्लॉप होने पर बॉलीवुड के सितारों ने भी तड़कते भड़कते हुए रिएक्शन दिए हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए जानते हैं बॉलीवुड के सितारों और उनके द्वारा दिए गए रिएक्शन के बारे में। नंबर वन, संजय दत्त। बॉलीवुड के संजू बाबा यानी कि संजय दत्त ने सलमान खान की अंतिम मूवी के फ्लॉप होने पर रिएक्शन देते हुए कहा है, कोई बात नहीं भाई, फिल्मों का हिट फ्लॉप होना तो चलता ही रहता है, पर तुम इस बात का कभी भी प्रेशर मत लेना कि मेरी ये फिल्म फ्लॉप हो गई है तो मैं आगे क्या करूं। ऐसा सोचोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे बढ़ते रहो, तुम और भी कई हिट फिल्म दे सकते हो। नंबर टू, अक्षय कुमार। बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार ने सलमान की फिल्म अंतिम के ऊपर रिएक्शन देते हुए कहा है कि मुझे तो सलमान तुम्हारी मूवी बहुत अच्छी लगी है, जरूरी नहीं कि फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई है तो उसमें कोई कमी रही होगी, बल्कि ये सिर्फ लोगों के नजरिए पर डिपेंड करता है कि वो फिल्म को किस तरह से लेते हैं, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बस ऐसे ही जबरदस्त काम करते रहो। नंबर थ्री, प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा ने सलमान खान की अंतिम मूवी पर अपना रिएक्शन दिया और कहा है कि भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई हो, मगर इस फिल्म में मुझे सलमान खान की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, साथ ही मैं तो यही चाहूंगी कि सलमान ऐसी ही और भी फिल्में करते रहे और अपने फिल्मों से लोगों को मोटिवेट करते रहे। फिल्म के फ्लॉप होने से कुछ नहीं होता, सलमान बेस्ट है। नंबर फोर, अजय देवगन। सलमान खान के जिगरी दोस्त अजय देवगन ने सलमान की अंतिम मूवी को लेकर अपना रिएक्शन दिया और कहा कि इट्स ओके सलमान भाई, ये फिल्म फ्लॉप हुई तो क्या हुआ, आपने अब तक कई बेहतरीन फिल्में भी तो दी है ना, और मुझे पूरा यकीन है कि इस फिल्म के फ्लॉप होने से आपके करियर पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि आप इससे भी बेहतर फिल्म बॉलीवुड में लेकर आएंगे। नंबर फाइव, रवीना टंडन। टिप टिप बरसा पानी से मशहूर हुई अभिनेत्री रवीना टंडन सलमान खान की अंतिम मूवी पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि ऐसा तो होना ही था, अब सलमान की उम्र जो हो चुकी है और इन्हें अब फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास लेकर अपनी जिंदगी को आराम से शानों और शौकत के साथ जीना चाहिए, क्योंकि अब इनसे और एक्टिंग नहीं हो पाएगी। नंबर सिक्स, कैटरीना कैफ। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम आता है बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री कैटरीना कैफ का, जिन्होंने सलमान खान की मूवी के फ्लॉप होने पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि ऐसा तो होना लाजमी था, क्योंकि इन्होंने मुझे जो इस फिल्म में नहीं लिया, अगर मुझे इस फिल्म में ले लिया होता तो ये सुपरहिट फिल्म साबित होती, क्योंकि अब तक जितनी भी फिल्मों में सलमान और मैं नजर आए हैं वो फिल्म जबरदस्त हिट रही है, ये तो आप सब जानते ही हैं, ये सलमान का बैड लक है जो उन्होंने मुझे नहीं लिया। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है सलमान खान की अंतिम मूवी को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।